लॉकडाउन के बीच ब्रेक द चेन के तहत नागपुर शहर में कोरोना संबंधी नियमों को शिथिल किया गया। अब शहरी सीमा में जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को ही राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को 15 दिन के लिए बढ़ाए जाने का ऐलान किया था। हालांकि इस ऐलान के साथ कुछ जिलों में हल्की रियायतें भी दी गई हैं। नागपुर में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है और उपलब्ध ऑक्सीजन बेड में से मरीजों की संख्या 40% से कम है, इसीलिए नागपुर में नियमों को शिथिल किया गया है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने सोमवार को ब्रेक द चेन के तहत नया आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत अब जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक शुरू रहेगी। पहले दुकानों को 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति थी। स्टैंड अलोन नॉन एसेंशियल दुकानें भी हफ्ते में 5 दिन 2 बजे तक खुली रह सकती हैं। शॉपिंग मॉल और शॉपिंग सेंटर के अंदर की दुकानों को खोलने की अब अनुमति नहीं रहेगी। दोपहर 3 बजे के बाद आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी और वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए अनुमति रहेगी। कोरोना कार्यों को छोड़ अन्य सभी सरकारी कार्यालय 25% क्षमता के साथ खुले रह सकते हैं। कृषि सेवाओं और वस्तुओं से संबंधित दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रह सकती हैं। जब तक दुकानें शुरू रहेगी तब तक कार्गो मूवमेंट भी शुरू रहेगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सभी तरह के सामानों की डिलीवरी की अनुमति रहेगी।